इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हालात ही इस तरह से बनाए गए हैं कि किसी भी मौजू की शुरुआत ही कोरोना से करनी होगी। खैर, जब कामयाबी का सहारा हुकूमत अपने सर बांध लेने में पेश पेश रहती है तो अब नाकामी भी जाहिर है इसी के सर बांधनी होगी और हुकूमत को बड़ी ईमानदारी से नाकामी को कबूल करना होगा। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम की बात ही कुछ और है। दुनिया भले इन्हें कुछ भी कहे पर अपनी जुमलेबाजी से यह बाज नहीं आते। खैर, बात अब और भी संगीन बन चुकी है। खुद हुकूमत तो कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन जो लोग इस कोरोना काल में अपनी कुव्वत के मुताबिक जो भी खदमात अंजाम दे रहे हैं इनके लिए भी रुकावट बनती दिखाई दे रही है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री का शुरुआत से ही नारा रहा कि मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, लिहाजा इसी नारे की मुशाबत में ना मैं खुद कुछ करूंगा और ना किसी को कुछ करने दूंगा। कोरोना को लेकर भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, यहां तक कि गंगा नदी में बहती लाशें विदेशी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। वहीं भारत में सरकारी अस्पतालों को छोड़ जो भी निजी इदारे तंजीमें काम कर रही हैं इन पर भी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस पार्टी के सदर को पुलिस तहकीक का सामना करना पड़ा। इस बात पर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा अपनी नाकामी का बदला ले रही है सका। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत तो कोरोना मरीजों की मदद करने में नाकाम हो चुके, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर काम करिए। जिन्हें ऑक्सीजन की इमदाद की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा रही है, पर शायद भाजपा की नजर में यह जुर्म है। इसलिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास को ऑक्सीजन कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, इसकी तफसीलात पूछे गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के जौनपुर कोतवाली में विकी अग्रहरी नामी शख्स के खिलाफ महामारी एक्ट की दफा 3 और ताजरत हिंद की दफा 188 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा जौनपुर के चीफ हेल्थ अफसर की शिकायत पर दर्ज कराया गया है। वाजह रहे कि वीके अग्रहरी एक पेशे से एम्बुलेंस ड्राइवर है। अपने बीवी के गहने बेचकर 2 सिलेंडर खरीदे तो 2 और सिलेंडर आवाम की जानिब से बतौर डोनेशन के तौर पर दिया गया था। वीके अग्रहरी ने बताया कि जौनपुर अस्पताल के सामने ऑक्सीजन के बिना तड़पते मरीजों को देखकर मैंने ऑक्सीजन मुफ्त में देने का फैसला किया। सरकारी अस्पताल के सामने मरीज बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे थे और उन्हें ऑक्सीजन लगा रहा था, तब इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हुकूमत को ऐसा लगता है और सरकारी अस्पताल की इससे बदनामी हो रही है। डीसी मनीष वर्मा कहते हैं कि सरकारी महकमा अपनी जान जोखिम में डालकर आवाम की खिदमत अंजाम दे रहा है, पर विकी अग्रहार जैसे लोगों की वजह से सरकारी अस्पतालों की बदनामी होती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मोदी हुकूमत हो या भाजपा की रियासती हुकूमतें नाकामी से बौखला गई है, किसी तरह अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है और इसी छटपटाहट में जो भी सामाजिक खिदमत अंजाम दे रहे हैं इन पर मुकदमे दर्ज कर रही है। अगर इसी पस मंजर में कर्नाटक या फिर बेलगाम शहर की बात की जाए तो बिम्स भी नाकाम हो चुकी है। आवाम अब सामाजिक खिदमतगार तंजीमों पर भरोसा कर रही है। मोदी हुकूमत हो या कर्नाटक की येडियुरप्पा हुकूमत, इन्हें डर है कि हुकूमत को लेकर नाराजगी सब तक ना बढ़े कि लोग आने वाले चुनाव में इन्हें हुकूमत से ही बेदखल ना करें। वैक्सीन को लेकर दिल्ली में मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए जिस पर 25 अपराधों पर मुकदमे दायर किए गए थे। लिहाजा इस पोस्टर में लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। लिहाजा बेलगाम में भी एनजीओस को ऑक्सीजन देने से मना किया गया, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, फिर मरीजों की किस कदर हालत कैफियत अब हमारे सामने है। वैसे तो कॉर्पोरेशन की जानिब से मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, लिहाजा इसका कई गुना जो है मौतें बढ़ रही है। जहां कल की अगर बात कही जाए तो महज 4 मौतें हुकूमत की जानिब से कही जा रही है, लेकिन कई गुना इसका आंकड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। खैर, आखिर इसका क्या फायदा? इस बात से इतना तो समझ में आया है कि मोदी हुकूमत को सिवाय चुनाव के और कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस कदर लॉकडाउन, बंद कारोबार, बढ़ते मरीज और बेताचा मौतों का मंजर और गरीब आवाम भुखमरी के कगार पर पहुंची हुई है, क्या आने वाले दिन खाना जंगी का इशारा तो नहीं कर रहे? क्या हम गृह युद्ध की दहाने पर तो खड़े नहीं हुए? इस तरह के सवाल इसलिए भी जहन में आना लाजिम है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और कोरोना से जंग एक दूसरे का साथ लिए बगैर हम जीत ही नहीं सकते।
यहाँ पर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कांग्रेस या दिगर पार्टी के अफराद कोरोना दौर में आवाम की खिदमात कर हिमायत हासिल कर रहे हैं, इसलिए इन पर मुकदमे कानूनी शिकंजे में फंसा कर इन्हें डराया जाए, यह सोचना भी मोदी हुकूमत के गिरते अखलाक की मिसाल ही कह सकते हैं। फिर एक बार लॉकडाउन बढ़ाने की बात हुकूमत की जानिब से कही जा रही है। एक तरफ बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, गरीबी, भूखमरी, कारोबार बंद, तिजारती फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगार कई फीसद बढ़ चुके हैं, तनख्वाहें कंपनियां नहीं दे रही, आखिर कोई गुजारा करे तो भी कैसे करे, यह सवाल अब भारत की अक्सरियत गरीब तबके के सामने खड़ा लिया जा। अब यह सवाल इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि क्या भारत में खाना जंगी होगी, क्योंकि भूख की आग घर में बहुत देर तक बैठने नहीं देगी। कोई भी शख्स हो खुद भूखा रह सकता है, पर अपने बच्चों को भूखा देख नहीं सकता, और तब जाकर बगावत होती है। डर है कि कहीं हुकूमत की गलत पॉलिसियां मुल्क में बगावत की वजह न बने। अहम खबरों पर एक नजर। आपदा में अवसर की तरह हर कोई इसमें अपने हाथ गीले करने में भी नजर आ रहा है। कुछ डॉक्टर्स दिन रात खिदमत अंजाम देकर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ झोला छाप डॉक्टर्स मरीजों को डराकर रुपए बटोरने की वारदातों में भी इजाफा होने की तलाश हुई है। अक्सर देहातों में इस तरह की वारदातें देखने की बात कही जा रही है। ऐसे कोरोना काल में भी ऑनलाइन ठगने के धंधे आज भी जारी हैं। ऑक्सीजन दवाइयां या फिर रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी करने वाले दलालों की भी बात शहर में कही जा रही है। सरकारी अस्पतालों पर इल्जामात का सिलसिला जारी। अक्सर लोगों का इल्जाम है कि जो भी सरकारी अस्पताल की सीढ़ी चढ़ता है वो वापस घर नहीं लौटता। एक और शख्स ने डॉक्टरों के लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसके वालिद की मौत महज लापरवाही की वजह से हुई है। लड़का बैलोंगल से और इसने सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल भी किया हुआ। इसी तरह बेलगाम शिवाजी नगर के रवि बेटगरी महज सरकारी अस्पताल में जाने के 2 घंटे में ही मौत हो गई। इनके घर वालों का कहना है कि किसी तरह की देखभाल यहाँ नहीं हो रही, लिहाजा महज 45 साल के बेटे को खोने का गम इनके घर वालों में देखा गया। ऐसी कई मिसालें हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त कह सकते हैं। अब तो भाजपा के ही लीडर हुकूमत की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नाराजगी का भी इजहार किया, मौजूदा हालात को जिम्मेदार ठहराया। जो मौजूदा हालात हैं इसके लिए बीजेपी के MLA यतनाल पाटिल जो बीजापुर से है, येडियुरप्पा हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि महज मीटिंगों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है पर काम कुछ भी नहीं होता, लिहाजा वैक्सीन पर भी एतराज जताते हुए कहा कि इफ्तिताही इजलास वैक्सीनेशन पर बयानबाजी के सिवा हुकूमत आखिर क्या कर रही, क्यों वैक्सीनेशन की कमी है, आवाम को वैक्सीनेशन क्यों नहीं मिल रही। तमाम तर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा येडियुरप्पा हुकूमत सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए तमाम पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, मौतों के आंकड़ों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम को ठगने की कोशिश ना करें कहते हुए तीसरी लहर का मुकाबला कैसे करेंगे जब दूसरी लहर में ही नाकाम हो चुके हैं, वैक्सीनेशन को तेज करने का मशवरा भी यतनाल पाटिल ने दिया। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 2000 के करीब पहुंचने की बात कही जा रही है। वैसे भी हुकूमत मौतों के आंकड़े घटाने की बात तो कह रही है, पर हुकूमत के आंकड़े और सच्चाई में तफावत नजर आने की भी बात कही जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है तो उससे पहले ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ने की इत्तला हासिल हुई। बेलगाम में फिलहाल एक मरीज तो है, पर हुबली और बीजापुर में ये तेजी से बढ़ते देखा जा रहा है। हुबली में 13 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए, इसी तरह बीजापुर में 20 मरीज ब्लैक फंगस के जेर इलाज है। बीजापुर के BLD अस्पताल में मरीजों को दाखिल किया गया और इलाज जारी है। हुबली के किम्स में हुबली के तमाम मरीजों पर इलाज जारी है, पर दवाइयों की कमी की बात किम्स के जिम्मेदार रामलिंगप्पा ने कही है। अमन नगर जमात के जिम्मेदार और सामाजिक खिदमतगार जनाब इजाज हाकिम कल सड़क हादसे का शिकार हुए। यमकनमड़ी के करीब यह हादसा पेश आया जिसमें कार ने 3-4 पलटी खाई, पर महज ताज्जुब ही कह सकते हैं कि कार में सवार इजाज हकीम और दिगर अफराद किस्मत और मजबूत जिंदगी की रस्सी के चलते बच गए। यहां तक कि इजाज हकीम को महज मामूली खराश आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कार पलट कर सड़क के किनारे गिरी हुई। इस हादसे के बाद इजाज हकीम को लेकर अफवाहें गश्त करने लगी, पर किसी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करते हुए खुद को सही सलामत होने की बात कही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।